रोहित शर्मा को ये पता है कि भाई एक तो ये बहुत आला जगह पे गेंद कर रहे हैं, वहां से हट ही नहीं रहे, वहीं से अंदर कर रहे हैं, वहीं से बाहर कर रहे हैं, तो लाजमी सी बात है जितना स्विंग सीम हो रहा है बॉल, इस पे तीन तीन स्लिपें बनती है, वो खेलने के लिए रन्स भी बहुत है उनके पास। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है जिस तरह वो आउट हो रहे थे ना, शायद अगर शायद एक बात कर रहा हूँ, अगर मैं उसकी जगह होता मैं पांच स्लिपें तो ले लेता आराम से, मतलब इतना स्विंग सीम हो रहा था, वो तो बल्ले भी आ ही नहीं रहा था। सिली मिड ऑफ वगैरह ये भी ले सकते थे, हटा देते आप, आराम से हटा देते आप, ठीक है ना। तो आवाज तो आ रही है ना मेरी, नहीं आ रही थी क्या? तो बात ये अभी सही है, तो मसला ये है कि जितना स्विंग ये सीम हो रहा था बॉल, उसके लिए तो पांच पांच स्लिपें भी बनती थी, कोई मसला नहीं है। सिले विले लगा के आराम से, मुझे ऐसा लगता है कि रन भी तो बहुत थे, 357 रन। यार ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग हो गई है। सात मैचेस में अनबीटन है। और आपने एक चीज देखी कि अगर बॉलिंग अच्छी, देखो ये जो बॉलिंग कर रहे थे ना इंडिया के बॉलर्स, इस बॉलिंग जिस तरह बॉल हो रही थी, इसके आगे दुनिया का कोई बैट्समैन भी आ जाए वो आउट हो जाएगा। जितना बॉल सीम हो रहा था, जितना बॉल स्विंग हो रहा था, ये कुछ भी कर लेते आउट हो जाते। तो मेरे ख्याल में एक्स्ट्रा। उसके बाद मैं भाई क्रेडिट देता हूँ शामी को, उसने धड़ल्ले से आया टीम के अंदर कि भाईजान मेरे नाल तुसी कितनी ज्यादती, ठीक है भाईजान मुझे खिलाना था आपने। उसने कोई आखिरी दो तीन मैचेस के अंदर कोई 10-12-14-15 आउट कर दिया, 3-4-5-3-4 मजा आ गया कोई। तो उसने बोलती बंद कर दी सबकी, अपने लोगों की बोलती बंद कर दी। बहुत अच्छा हुआ सिराज आज आउट कर गया, वरना इंडिया को आगे जाके शायद सिराज को बिठा के शामी को खिलाना पड़ता। देखे वो, देखे एक प्रोफेशनल जेलसी होती है, इसमें कोई शक नहीं। आपको याद है कि हमने शो में बात की थी कि यार शामी ने जब अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ आउट किए थे लास्ट मैच में, जो 5 आउट किए थे, हमने क्या बात की थी कि वो उसको गुस्सा है कि यार मेरे साथ ज्यादती हो रही है। और आज भी देखो जिस तरीके से वो आउट कर रहा था, सेलिब्रेट कर रहा था, या जब 5 आउट करने के बाद वो बैठा, तो एक अफसोस होता है यार मेरे से जूनियर इतना लड़का जिसके 30 कुछ मैचेस हुए, मेरे 90 मैचेस 100 होने वाले आउट, 100 मैचेस होने वाले, और मुझे एक सेकंड चॉइस पे जो है रखा हुआ है, और आखिरी 10 मैचेस में कुछ 26-27 विकेट्स ले गया, और वर्ल्ड कप में कोई 50 विकेटों के करीब है, ठीक है, और सिराज के आखिरी 10 मैचेस में कोई 15-16-17 हो गए, बहुत फर्क है। तो उसने पर्सनल जेलिसी थी वो उसने करके दिखाया, और अच्छा बॉलर जो है इसी तरह करता है भाई, उसको मौका मिलता है वो जाने नहीं देता। लेकिन जिस तरह उन्होंने बॉलिंग किया, ऐसा लग नहीं रहा था कि यार ऐसी विकेट है। या तो सीधी बात है यार, इंडिया के प्लेयर्स या प्रेशर शुरू से क्रिएट स्लिपे बिल्पे लगाई हुई है उन्होंने, अच्छी जगह पे बॉल कर रहे हैं, खेल इतना अच्छा यार। देखें पिच, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, गेंद जब अच्छी जगह पे गिरती है ना, बैट्समैन के ऊपर खुद ही प्रेशर आता है भाई, उसके बाद क्वालिटी भी होनी चाहिए। अब आप देखो ना कि अगर हम, मैं मिसाल के तौर मैं अपने बॉलर्स की बात कर रहा हूं, हारिस रऊफ चलो तेज है, उसके अलावा भी शाहीन भी स्विंग विंग करते हैं, लेकिन हमें ऐसी बॉलिंग नजर नहीं आती, नहीं आ रही। मुझे ऐसा लगता है किसी पूरे वर्ल्ड कप में किसी बॉलर्स की ऐसी बॉलिंग नजर नहीं आ रही। कंसिस्टेंट एक जगह पे हिट करना यार बहुत बड़ी बात है। बुमराह ने लगता है सबको सिखा दिया कि भाई इस जगह पे बॉल बस यूं करते रहो, विकेट मिलेगी आपको, विकेट मिलेगी, या तो रन नहीं बनेंगे या विकेट मिलेगी, पिच खुद ब खुद कुछ ना कुछ। आपने बात की कि वो अपने उस पे घुटनों के बल बैठ तो गए थे, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ सजदा करते करते रुक गए मोहम्मद शामी। अच्छा रुक गए, मैंने देखा नहीं, पता नहीं क्यों रुके, मुझे समझ नहीं आया। मुस्लिम है, कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते थे, लेकिन वो रुक गए, पता नहीं क्यों रुके, कोई मतलब क्या क्या थॉट थी उसके पीछे, वो मुझे पता नहीं है। आपको पता है कि शायद कहीं प्रेशर तो होता है वहाँ पे, थोड़ा बहुत प्रेशर होता है कि यार ये क्या हो रहा है, हो सकता है कुछ ऐसी चीजें उनके साथ पहली हुई हुई हो जिसकी वजह से वो रुके, लेकिन खैर वो सजदा करें ना करें जो भी प्रेशर है, लेकिन उन्होंने बोल परफॉर्मेंस आ लेती है, 5 आउट करके बोलती बंद कर दी बिल्कुल। और दूसरा जो 99 में हम बात करते थे ऑस्ट्रेलिया की टीम की, और जो 2003 में 2007 में बात करते थे, एक अनबीटन टीम थी, आउट क्लास टीम थी, अच्छे फास्ट बॉलर, अच्छे स्पिनर, बैट्समैन बहुत एग्रेसिव, वो क्वालिटी अभी नजर आ रही है इंडिया की टीम में। और ये पूरा ऊपर से जो प्लेटफॉर्म मिलता है रोहित शर्मा जो देते हैं, उसके बाद जो खुल के खेलते हैं ये लोग, मतलब एक, हालांकि आप आज देखो आज रोहित शर्मा आउट हो गए, लेकिन बाकी बैट्समैन ने रन्स करके बता दिए। हाँ ब्रेक ले रहे हैं शायद। बिग फ्रेम सुपर, हाँ तो वो जो है ना
ऊपर से आउट हुए लेकिन बाकी प्लेयर ने रन्स करके बता दिए। रन्स कौन कर रहा है? श्रेयस अय्यर ने किया आज, श्रेयस अय्यर ने कर दी, शुभमन गिल ने 92 कर दी। हाँ तो भाई यही यार, वैसे दोनों की सेंचुरी बनती थी, बनती थी। मुंबई में खेल रहे हैं और एक स्टैचू लगाया सचिन का, आज सेंचुरी होती है उसको डेडिकेट करते हैं। और वो ग्राउंड में नजर, और फिर सचिन का रिकॉर्ड भी बराबर होता उसी ग्राउंड में, मुंबई के उनके ग्राउंड में, और उन्हीं का स्टैचू लगा हुआ उन्हीं के ग्राउंड में, उनका रिकॉर्ड बराबर होता। और दूसरी या तीसरी सेंचुरी मिस की है कोहली ने, 95 पे एक दफा आउट हुए इसी वर्ल्ड कप में, फिर 82 या 86 88 पे भी आउट, 90 कुछ पे भी आउट हुए, 95 पे आउट हुए, वही ना, वो सीधा हाथ में दे दी मिड विकेट पे, तीन सेंचुरियां मिस हुई भाई। अगर इतनी अच्छी बैटिंग चल रही है तो फिर कप्तान रिलैक्स नहीं होगा तो फिर और क्या होगा? कप्तान रिलैक्स नहीं होगा तो फिर क्या होगा? बैटिंग क्या, बॉलिंग वॉलिंग सब कुछ अच्छा चल रहा है उनका तो, जाहिर सी बात है, जबरदस्त यार, मजा आ गया। और मुझे देखें, मैंने जितने भी वर्ल्ड कप देखे हैं ना, मैंने जितने भी वर्ल्ड कप देखे, जिस जिस कंट्री में वर्ल्ड कप हुए हैं, उस होम टीम को इतना अच्छा खेलते मैंने कभी नहीं देखा। मुश्किलात में होती है, हार रही होती है होम टीम भी वर्ल्ड कप इस तरह, तो इंडिया 2011 में भी नहीं खेल रहा था, वर्ल्ड कप जीते थे, बहुत ही फॉर्म में। देखें मैं आपको बताऊं, इनकी बहुत ही बुरी किस्मत होगी तो ये सेमीफाइनल या फाइनल आ रहेंगे, लेकिन जितना अच्छा ये खेल रहे हैं ना, मेरा तो दिल कर रहा है आगे जाने ही ना दो इनको, ऐसी वर्ल्ड कप दे दो। अच्छा ये जो इतना जबरदस्त खेल रहे हैं।